अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुजुकी मेरान यूरो EFI जो गाड़ी है, इसके अंदर जो ऑटो फैन है, इसकी वायरिंग डायग्राम और ECU पिन आउट कौन से हैं। इसमें मेरान दो तरह आती हैं, एक मैनुअल है जिसमें कंप्यूटर नहीं है, उसके अंदर इसका ऑटो फैन का तरीकाकार और है, और ये जो ऑटो फैन है आपकी EFI के अंदर, इसके अंदर चूँकि ECU है, कंप्यूटर है, तो वो उसके थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको बताता जाऊं तो ये आपका फैन आ गया और इसको चाहिए होंगे दो करंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव तो बॉडी का जो मेन करंट घूम रहा होता है वहाँ से ही इसको मिल जाता है, जबकि पॉजिटिव के लिए इसको यहाँ पे रिले लगी हुई होती है। रिले के फोर पॉइंट इसमें, ये वाला आउट पॉइंट, ये सेंटर में बी पॉजिटिव, और इसकी एक वायर में इग्निशन, इग्निशन प्लस यानी कि स्विच जब आप ऑन करते हैं तो वहाँ से इस वायर के अंदर एक पॉजिटिव करंट आ जाता है, जबकि बी पॉजिटिव जो बैटरी का डायरेक्ट करंट है वो इसमें मौजूद होता है। अब इसको चाहिए होता है यहाँ पे एक नेगेटिव करंट इस वायर पे, इस वायर पे एक नेगेटिव करंट चाहिए होता है, तो जो कि आपको इसको ECU आपका फ्राम करता है। तो उसके लिए जी ECU की जो 26 पिन का जो आपका ग्रिप है, यू लाइनें हम इसकी गिनते हैं, एक से लेकर 13 यहाँ आएगी और फिर उसके बाद यहाँ से ये आगी इसकी 13 और फिर यहाँ से शुरू होगा दोबारा 14 और इस तरह करते करते यहाँ से 26 नंबर पिन तक आ जाएगा। 26 नंबर पिन के और इसका जो 26 पिन का ग्रिप है, इसकी वायर नंबर जो 20 है, 20 और यहाँ पे लिखा होता है RFR रेडिएटर फैन रिले। ये जी रेडिएटर फैन रिले से यहाँ से एक नेगेटिव करंट निकलेगा जो कि सीधा यहाँ से होता हुआ इस रिले तक चला जाएगा। इस रिले में नेगेटिव करंट यहाँ से आएगा, रिले ऑन होगी और इसके आउट पॉइंट है जो यहाँ से एक निकलेगा आपका करंट जो कि आपका सीधा फैन के अंदर चला जाएगा और आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये सुजुकी मेरान यूरो EFI के अंदर इस तरह इसका कनेक्शन आते हैं। तो जो दूसरी मैनुअल है उसके अंदर स्विच लगा होता है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।